हेलो एवरीवन, इमरामा टैरो पे वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। नया साल स्टार्ट हो चुका है, 2024 स्टार्ट हो चुका है और मैं प्रे करती हूँ कि आप सबके लिए साल बहुत ही खूबसूरत जाए, बहुत ही प्यारा जाए, आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, आपकी जो समझ है वो और बढ़ती रहे, आपकी फैमिली, आप सब बहुत सुखी रहें, खुश रहें, इन शॉर्ट। ओके, अब देखिए ये जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of Jan टू 15th of Jan। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 6 टू 15 जैन। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए। दो मजिशियन, जेमिना लिब्रा एक्वेरियस, सिक्स ऑफ कॉइन्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस। ओके, अब देखिए एरीज हमारे पास है दो मजिशियन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस को इंपॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए नए साल में, 6th टू 15th याद रखिए। अब यहाँ पे यूनिवर्स ना ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना, एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट 10 डेज में बहुत अच्छा होने वाला है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली चीजें करने वाले हो, किसी को अगर कुछ बोलना चाह रहे थे नहीं बोल पा रहे थे तो बोलोगे, कोई आपको लग रहा था कि ये कोई टास्क है जो मैं नहीं कर पाऊंगा अकेले, मुझे बाकी लोगों की हेल्प की जरूरत होगी, आप अकेले कर लोगे, तो कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज में अगर आप अटके हुए थे लास्ट ईयर के एंड तक, या कोई चीज कहते हैं ना दिमाग में सोच रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा किस चीज का सोल्यूशन कैसे निकले, तो आपको ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको उस चीज को करने का तरीका मिल जाएगा नेक्स्ट 10 डेज में। आप बहुत रिसोर्सफुल हो रहे हैं अपने आसपास लोगों को, कहते हैं ना उनमें जो स्किल है उसका इस्तेमाल करना, उसको यूज मिलाना, आपके आसपास कोई जुगाड़ करना, कहीं कोई आपका स्किल हो सकता है, आपके दोस्तों का स्किल हो सकता है, बट रिसोर्सफुल हो रहे हैं आप, काफी स्किल्स को इस्तेमाल में ला रहे हैं, आप उनको जाया नहीं जाने दे रहे हैं। तो आई थिंक जो भी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन आप इस तरीके से निकाल रहे हैं कि कौन सा इंसान किस चीज में अच्छा है, मैं वो चीज यू नो लाइक उसकी वो चीज अपने अंदर लाऊं, खुद उसका स्किल सीखूं या फिर उस चीज का इस्तेमाल करूं, नॉट इन द रॉन्ग वे बट यस आई थिंक वैसी कोई चीज है, बट जुगाड़ निकल रहे हैं, सोल्यूशन निकल रहा है, ब्रेक थ्रू हो रहा है और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा जा रहा है नेक्स्ट 10 डेज में। अब देखिए सिक्स ऑफ कॉइन्स है हमारे पास, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 10 डेज में आप थोड़ा हेल्प कर रहे हैं लोगों को, किसी को हेल्प की जरूरत हो सकती है, वो शायद आपके पास आए, आपको बोले कि यू नो लाइक एरीज मुझे इस चीज में हेल्प की जरूरत है या तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, एंड आप उसको सपोर्ट करो, आप उसको हेल्प करो। तो वैसी कोई एंगल हो सकता है, इमोशनल या फाइनेंशियल, किसी को आप उधार दे सकते हैं पैसा, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सपोर्ट हो सकता है किसी का, कुछ मैं कहती हूँ चाहे बहुत छोटी ही चीज है, किसी का सामान उठा के किसी को हेल्प करना या फिर फिजिकली किसी को किसी डेस्टिनेशन वन से डेस्टिनेशन बी तक पहुंचाना, ठीक है, बट कोई आप सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं, चैरिटी भी कर सकते हैं आप नेक्स्ट 10 डेज में, किसी को दान में कुछ दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों को, नया साल स्टार्ट हुआ है, शायद आपने कुछ रेजोल्यूशन लिया हो किसी को हेल्प करने का, वैसी कोई चीज भी हो सकती है, बट इन शॉर्ट आप काफी जेनरस हो रहे हैं। अब देखिए हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना, कोई गुड न्यूज आने वाली है आपके पास, कोई खुशखबरी आने वाली है, गुड न्यूज बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, मैं आपको कोई चीज बता, आपको नहीं मतलब मैं व्यूअर्स को जो लोग देख रहे होते हैं मेरी रीडिंग्स, कुछ मैं बोलती हूँ और वो उस चीज को समझते हैं कि अगर पैसा आएगा तो पैसा आएगा से मतलब लाख रुपए या लाखों रुपए आ जाएंगे एकदम से, नहीं, अगर आपको लेट से कहीं से अनएक्सपेक्टेड 5,000 रुपए या 1,000 रुपए या कुछ भी, लेकिन 100 रुपए भी कहीं गिरा हुआ मिल गया आपको, तो वो भी इन वे पैसा आना ही होता है। अब ये मैं नहीं बता सकती कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा, बट यू नो
आप मेरे जिस समझिए बात का, तो यहाँ पे भी कोई एक गुड न्यूज आ रही है, वो बहुत बड़ी गुड न्यूज है या छोटी गुड न्यूज है पता नहीं, बट एक कोई अच्छी चीज, हैप्पी न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है, जिसको लेकर आप काफी खुश हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग बहुत खुश हो सकते हैं, आप काफी एक्साइटेड हो सकते हैं उस चीज को लेकर, एंथुजियास्टिक हो सकते हैं। हो सकता है जो प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, उससे रिलेटेड कोई न्यूज हो, वैसा भी कोई चीज हो सकती है। देखते हैं टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज, जनरल मैसेजेस फॉर एरीज प्लीज बताइए, जनरल मैसेजेस फॉर एरीज। क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज। देखिए, हो सकता है आप में से कई लोग कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत हो सकती है, हो सकता है आप में से कई लोग कंसीव करने का प्लान कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, कंसीव कर जाएं या मे बी प्रेग्नेंट हो, बेबी का बर्थ हो जाए या प्रेग्नेंट हो, वट एवर, बट बर्थ ऑफ अ चाइल्ड से रिलेटेड कंसीव वाली स्टेज हो सकती है, प्रेग्नेंट या प्लानिंग। बट अगर आप नहीं प्लान कर रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिए, बट ऐसा कुछ हो सकता है, चांसेस लग रहे हैं मुझे, बट हर किसी के लिए नहीं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। देखिए, इससे बेहतर नए साल की शुरुआत बिल्कुल नहीं हो सकती है। आपके नेक्स्ट 10 डेज बहुत ही पीसफुल हैं, बहुत ही हार्मोनियस है, कहीं पे भी कुछ नेगेटिविटी नहीं है नेक्स्ट 10 डेज में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, क्या जनरल मैसेजेस हैं एरीज के लिए। वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ऑफकोर्स ये कॉन्ट्राडिक्टरी है पीस एंड हार्मोनी का, बट मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग ना इस चीज को लेकर टेंशन में होंगे कि चीजें इतनी अच्छी जा रही हैं, हैप्पी न्यूज है, प्रॉब्लम का सलूशन मिल रहा है, इतने अच्छे लोग हैं मेरे आसपास जो कि मुझे हेल्प के लायक समझते हैं, इसलिए वो मुझसे मेरी हेल्प मांग रहे हैं। ठीक है, सिक्स ऑफ कॉइन्स, एंड आई थिंक उस दौरान ना आप कहीं ये समझने लग जाओगे या आई थिंक इस चीज को लेकर वरी करने लग जाओगे कि कहीं नजर ना लग जाए। ठीक है, क्योंकि नजर नजर इज रियल, नजर लगना इज वेरी रियल, तो मुझे लगता है आप उस चीज को लेकर काफी टेंशन में आ जाओगे, एंग्जाइटी होगी आपको नेक्स्ट 10 डेज में कि सब कुछ अच्छा चल रहा है कहीं खराब ना हो जाए, इतना सुकून है कहीं खत्म ना हो जाए, यू नो। तो आई थिंक वैसी कोई चीज है। ऑल्सो आपको ये लग सकता है कि कोई आपके अगेंस्ट है, क्योंकि चीजें इतनी अच्छी चल रही हैं, आपको ये चीज अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज लग सकती है कि अच्छा कहीं कोई चीज खराब ना कर दे। तो मैं उसको बोलूंगी कि इतना मत सोचिए, अगर किसी को चीज खराब करनी होगी या कुछ खराब होना होगा और वो लिखा होगा आपकी किस्मत में, तो वो वैसे भी होगा, वो कोई चेंज नहीं कर सकता, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, हीलिंग, नहीं, कुछ चीज खराब होनी होगी तो वो होगी, आप उसको डील किस तरीके से करते हैं वो आप जरूर चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी कि ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, इस चीज को दफा कर दें अपनी लाइफ से, सोचिए ही नहीं कि कौन आपके अगेंस्ट है कौन नहीं है, जब आएगा तब का तब देखेंगे। देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या है। आप में से कई लोग रैकेट वाला कोई गेम खेलते हैं या नेक्स्ट 10 डेज में सीखेंगे, या फिर कोई पार्टनर हो सकता है आपका जो आपको आपके साथ खेलता हो या वो खेलता हो, कोई विश पूरी हो सकती है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे, चीजें आपके लिए स्टेजेस चेंज हो सकती है, जहां पे आप अभी बैठे हैं वहां से आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं, चीजें बदल सकती हैं आपके लिए। आप में से कई लोगों के पास डॉग है, डॉग लवर्स हैं आप लोग, डॉग्स को फीड करते हैं, नेक्स्ट 10 डेज में हो सकता है आप पपी घर लाएं, डॉग घर लाएं। देखिए, लियो साइन काफी इंपॉर्टेंट है, पेज ऑफ वॉन्स एरीज लियो सैजिटेरियस,
आपकी एनर्जी है ये, ठीक है, आपकी भी एनर्जी है और लियो साइन भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर लियो आपके बर्थ चार्ट में कहीं पे सिग्निफिकेंट होगा तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। आपको अगर कभी भी अकेला लगता है तो वो मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं एरीज, यूनिवर्स की तरफ से जो एंजल्स, गाइड, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, आपके पुराने लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है आपके साथ, ये सब आपके साथ हैं स्पिरिचुअल रेलम के थ्रू, बट फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, 3D में नहीं है, बट ये आपके साथ है और जो भी आपकी लाइफ में चीजें हो रही हैं वो प्लान्ड है। तो एक गाइडेंस, एक सपोर्ट, चाहे वो दिख ना रहा हो, फील ना हो रहा हो फिजिकली, बट वो है, ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज में हो सकता है कोई आपको पैम्पर करे या आप अपने पार्टनर को पैम्पर करो, बट एक प्रिंसेस या प्रिंस की तरह ट्रीटमेंट मिल सकता है। अगर आप ऑफिस में हैं तो हो सकता है ऑफिस में लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करें, बहुत अच्छे से ध्यान रखें, जी हुजूरी करें। अगर आप मैरिज या रिलेशनशिप कोई है तो उसमें हो सकता है आपका पार्टनर आपको पैम्पर करे। थोड़ा सा आपको रोबोटिक लाइफ हो सकती है नेक्स्ट 10 डेज में, क्योंकि आपको लोगों को हेल्प भी करना है, अपनी चीज सॉल्यूशन का, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढना है, एंड आई थिंक बहुत हैपनिंग हो रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज आपके। तो मुझे से लग रहा है रोबोटिक लाइफ या तो आपकी अभी है और उससे आप ब्रेक फ्री करोगे, लाइक उससे आप निकल आओगे, बाहर निकल आओगे रोबोटिक लाइफ से, या फिर नेक्स्ट 10 डेज में आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि जो आपकी रोबोटिक लाइफ है उससे ब्रेक लेने की जरूरत है। कोई चलाक इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में, जो कि अब देखिए वल्चर है हमारे पास, डिप्रेशन, एंजाइटी, समवन इज अगेंस्ट यू, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा किससे आप बातें शेयर कर रहे हैं, किससे आप अपने ऑफिस की गॉसिप शेयर कर रहे हैं, किससे आप, किसके सामने आप वल्नरेबल होते हैं। हर किसी के सामने आप वल्नरेबल मत होइए। आपके पेरेंट्स हो गए, एक दो लोग हो गए जो आपके बिल्कुल कहते हैं ना फैमिली अदर देन योर रियल फैमिली, वैसे ऐसा नहीं कि 7-8 महीने पुराने दोस्तों को आप पूरे घर के किस्से बता रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ के झगड़े बता रहे हैं, नहीं ये मत करिएगा। तो कोई थोड़ा सा चलाक इंसान हो सकता है। हमारे पास है लेटर W, तो W से किसी का नाम, सिटी, कंट्री, लोकेशन, स्टेट कुछ स्टार्ट हो सकता है, वो आपको देखना है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से एरीज। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।